बैक ऑन माय चैनल कॉमर्स विद मी। आज इस वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में अपन ने क्वेश्चन नंबर 21 तक अपन ने कंप्लीट कर लिया है। तो प्लीज़ अगर आपको रेगुलर वीडियो देखनी है कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, जो आपके सेकंड ईयर में भी है, फाइनल में भी है, तो प्लीज़ आप वीडियो देख सकती हो। मैंने एक एक क्वेश्चन और थ्योरी के समेत आपको मैंने सब कुछ बता दिया है। आप क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, जो है वेटेड एवरेज कॉस्ट। ये आपका लास्ट मेथड है और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है। ये मेथड हमेशा एग्जाम में आता ही है बीकॉम फाइनल ईयर में। तो प्लीज़ इस मेथड के जितने भी क्वेश्चन, जितने भी इलस्ट्रेशन है, उन्हें घोल कर पी जाओ। मैं वापस बोली, घोल कर पी जाओ, क्योंकि है ना सेम डिजिट के सेम क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में राजस्थान यूनिवर्सिटी। वापस रिपीट कर रही हूँ, राजस्थान यूनिवर्सिटी में सेम क्वेश्चन आते हैं, वो भी वेटेड एवरेज कॉस्ट का। तो अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 थोड़ा ट्रिकी होने वाला है, पर मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, आपको अच्छे से समझा के ही जाऊँगी। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर गिवन है आपका राम लिमिटेड कंपनी की। आपको राम लिमिटेड कंपनी की आपकी क्या दे दी, कैपिटल स्ट्रक्चर दे दी कि उसके पास क्या इक्विटी शेयर है 4 लाख के है, डिबेंचर है उसके पास 2,50,000 के। अब देखो आगे प्रेफरेंस शेयर आते हैं, प्रेफरेंस शेयर है उसके पास 2,50,000, रिटेन अर्निंग है उसके पास 1 लाख, टोटल उसके पास 10 लाख का क्या है कैपिटल है उसके पास, ठीक है। अब कंपनी है वो क्या करती है, 20 रुपये अर्न करती है एक शेयर पे, जो भी इक्विटी शेयर है उसके एक शेयर पे 20 रुपये अर्न करती है, और वो टैक्स देती है कितना, 50% टैक्स देती है, और पर्सनल इन टैक्स भी है उसके पास कितना, 25%। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करनी है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि कॉस्ट ऑफ, अब देखो मैंने यहाँ क्या किया है, ओनली मैंने पहला कॉलम किसका होता है सोर्सेज का, दूसरा कॉलम अमाउंट का होता है, तीसरा कॉलम आफ्टर टैक्स का होता है, फोर्थ कॉलम होता है आपका वेटेड कॉस्ट का कॉलम होता है, ठीक है। सोर्सेज में क्या आता है, जहाँ से आपने पैसे अराइज किए हैं, इक्विटी शेयर से अराइज किया, जो आपके क्वेश्चन में था। देखो यहाँ यहाँ आपके क्वेश्चन में था इक्विटी शेयर एंड डिबेंचर 4,00,000, 2,50,000। तो देखो यहाँ मैंने क्या लिखा, 4,00,000 और 2,50,000 मैंने ऐसे की ऐसे यहाँ लिख दिया है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, प्रेफरेंस शेयर 2,25,000, 2,50,000, तो प्रेफरेंस शेयर मैंने क्या लिख दिया, 2,50,000, रिटेन अर्निंग 1 लाख की है तो रिटेन अर्निंग लिख दिया और 1 लाख लिख दिया, इसका टोटल 10 लाख, तो 10 लाख लिया। इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब आफ्टर टैक्स, इससे पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने क्या किया था, उसमें क्या था आपका आफ्टर टैक्स गिवन था, बट इस क्वेश्चन में आफ्टर टैक्स गिवन नहीं है। जब भी आफ्टर टैक्स गिवन नहीं होता तब आपको क्या करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है आफ्टर टैक्स, ठीक है। अब सबसे पहले क्या है, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, मतलब के ई। आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, के ई फाइंड करनी पड़ेगी। के ई फाइंड करेंगे, जो आंसर आएगा वो क्या होगा, आपका आफ्टर टैक्स होगा, क्योंकि अपन ने इससे पहले पढ़ा था के ई कैसे फाइंड करते हैं, के पी कैसे फाइंड करते हैं, के डी कैसे फाइंड करते हैं और के पी कैसे फाइंड करते हैं, ये सब कुछ अपन ने पढ़ा था ना। अब वही अप्लाई करना है अपन को, यहाँ ओनली वही अप्लाई करना है। क्या करना है, अब के ई, अब के ई में देखो आप, आपका क्वेश्चन में क्या गिवन है, के ई का फॉर्मूला क्या था, के ई का फॉर्मूला आपका तीन मेथड थे, इसमें जो मैंने आपको बताए थे ये तीन मेथड थे। जब भी आप के ई कैलकुलेट करते हो आप तीन मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो, पहला मेथड ये, सेकंड मेथड और थर्ड मेथड। अब कौन सा मेथड कब लगाना है, एज पर द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट पे बेस होता है ये पूरा टोटली। अब क्वेश्चन ये है कि कंपनी क्या कर रही है, अर्न कर रही है कितना, 20 रुपये पर शेयर, मतलब एक शेयर पे 20 रुपये कमा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अर्निंग पर शेयर। आपके आपको क्या गिवन है, अर्निंग पर शेयर गिवन है कितना, 20%। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास क्या गिवन है, ईपीएस गिवन है, ईपीएस अपॉन एमपी इन 200। ये क्या होगा, इसका फॉर्मूला लगेगा, देखो ठीक है, इसका ये वाला सेकंड मेथड लग गया इसमें। तो ईपीएस का लिखते हैं, ईपीएस कितना है, 20 रुपीज, ठीक है, इन 200। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या इसमें मार्केट प्राइस गिवन है, नहीं, इसमें मार्केट प्राइस गिवन नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन, जब भी वेटेड एवरेज कॉस्ट के अपन क्वेश्चन करते हैं, जब मार्केट प्राइस गिवन नहीं होती है तब क्या करते हैं, वो मार्केट प्राइस अपन कैलकुलेट करते हैं। अब उसका फॉर्मूला देखो, मार्केट प्राइस का, क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा पर वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है आपकी। इसमें क्या करते हैं, जो भी इक्विटी शेयर होता है, इक्विटी शेयर में क्या ऐड कर दिया जाता है, रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग
और इसे इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाता है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है, अब इक्विटी शेयर्स देखो, आप इक्विटी शेयर्स आपके पास कितना है अमाउंट, इक्विटी शेयर का अमाउंट है आपके पास 4 लाख रुपए, तो मैंने यहाँ 4 लाख लिख दिया। प्लस रिटेन अर्निंग कितनी है आपके पास, 1 लाख, तो मैंने यहाँ 1 लाख लिख दिया। अब कितने नंबर ऑफ शेयर्स है, अब यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन में आपको गिवन है 4000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, तो 4000 क्या हो गए, नंबर ऑफ शेयर्स हो गए हैं, तो यहाँ 4000 क्या लिख दिया, नंबर ऑफ शेयर। अब इसे सॉल्व करते हैं, 5 लाख ऊपर आएगा डिवाइडेड बाय 4000, तब क्या आता है, देखो यहाँ 5 लाख डिवाइडेड बाय 4000, तो 125 रुपये क्या आ गई आपकी, मार्केट प्राइस आ गई, एमपी आ गई आपके पास 125 रुपये, तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, 125 रुपये। अब इसे सॉल्व करते हैं, अभी अपन ने क्या किया, मार्केट प्राइस का कैलकुलेशन किया, तो मार्केट प्राइस कैलकुलेशन कर लिया, अर्निंग पर शेयर प्लस रिटेन अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, इससे क्या आ गया आपका 125 क्या है आपका, सॉरी क्या है, मार्केट प्राइस। तो आप इसे सॉल्व करते हैं, 20 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100, ये क्या आ गया, 16 आ गया, तो ये 16 क्या हो गई, आफ्टर टैक्स हो गया, तो मैंने यहाँ लिख सकती हूँ 16% है, 16% को सिंपल फॉर्म में करते हैं तो कैसे करते हैं, डिवाइडेड बाय 100, तो 0.16, इतना समझ में आ गया आपको। अब दूसरा है डिबेंचर, ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करते हैं आफ्टर टैक्स के ऊपर। आफ्टर टैक्स का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ये वाला, ठीक है, कि आपको पहले आपको क्वेश्चन में ये देखना है कि आपका क्वेश्चन किस टाइप का है, आपका क्वेश्चन रिडीमेबल है या इनरिडीमेबल का है। तो अब ये आपके पास क्वेश्चन रहा, ठीक है, आपके पास नंबर ऑफ ईयर गिवन होंगे तो आपका क्वेश्चन कौन सा होगा, रिडीमेबल होगा। पर इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कहीं भी एन गिवन नहीं है, क्योंकि अभी तक आपने कौन से क्वेश्चंस करे जिसमें एन गिवन था, बट अब आपके क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट हो रहे हैं जहां आपके पास एन गिवन नहीं है, नंबर ऑफ ईयर गिवन नहीं है, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, इरिडीमेबल का फॉर्मूला लगाएंगे। इरिडीमेबल का फॉर्मूला क्या होता है, आर अपन एन पी इंटू 1 माइनस टैक्स, ठीक है, तो ये मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख रही हूँ, आर अपॉन एन पी 1 माइनस टैक्स, ठीक है, ये था आपका, ये है केडी का फॉर्मूला, ठीक है। अब आर का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट रेट, तो इंटरेस्ट रेट कितना गिवन है क्वेश्चन में, 7%। अब आप पूछोगे कि 7% कहाँ से है, क्योंकि आप देखो ये क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ क्या गिवन है, 7% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, मतलब जो भी डिबेंचर लिया है उस डिबेंचर के ऊपर क्या किया जा रहा है, 7% ब्याज दिया जा रहा है, कि जिसके जिसके सामने उसकी रेट होती है उसका मतलब क्या होता है, वो इंटरेस्ट होता है, तो ये क्या है, 7% क्या है, इंटरेस्ट है, तो आर क्या हो गई आपकी, 7% हो गई। और एनपी कितनी है, एनपी है आपकी 100, या मैंने यहाँ 100 लिख दिया। 1 माइनस टैक्स, टैक्स कितना है आपका, टैक्स यहाँ देखते हैं, टैक्स आपका गिवन है 50%, तो यहाँ मैं ये 50% लिख दूँ, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ देखो 1 माइनस 50% 0.5 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 100, तो क्या हुआ, 0.035 आपका क्या आ गया है, केडी आ गई है, तो लिख दूँ यहाँ क्या आया, 0.035, ठीक है, ये क्या है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होकर आया है, ठीक है, ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होके आया है। अगर ये ऐसा आता, 3.5 ऐसे आता, तो इसे क्या करते, डिवाइड करते 100 से, तब आता 0.035, ठीक है, क्योंकि ये परसेंट था, अगर आप इसे इंटू कर दोगे तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा, बट आपको सिंपल फॉर्म में करना है, आफ्टर टैक्स करना है, इसलिए जो आंसर है वही अपन ने लिख दिया। प्रेफरेंस शेयर, अब देखते हैं प्रेफरेंस शेयर क्या बोल रहा है, कि आपको प्रेफरेंस शेयर का भी क्या निकालना है, आफ्टर टैक्स निकालना है, तो प्रेफरेंस शेयर का फॉर्मूला क्या था, ये था, ठीक है। इसमें आपको पहले आपको फाइंड करना है कि आपका क्वेश्चन किस टाइप का, रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है। ऑफकोर्स ये एन गिवन नहीं है, तो इरिडीमेबल है वो, एन गिवन होता तो रिडीमेबल होता वो, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, आर अपॉन एन पी इंटू 100, क्या है ये, आर अपॉन एन पी इंटू
100, ये क्या है केपी का फॉर्मूला, तो मैं यहाँ लिख दूं केडी का फॉर्मूला, देखो आर अपॉन एन पी इंटू 100, आर अपॉन एन पी इंटू 100, ये क्या हो गया केपी का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसमें करेक्शन कर लो कि यहाँ आर नहीं आता, यहाँ आता है डी आता है, मतलब तो वही होता है पर यहाँ यूज में डी लिया जाता है, तो यहाँ डी आएगा, डी अपॉन एन पी इंटू 100। ठीक है, एन पी इंटू डी का मतलब क्या होता है, वही इंटरेस्ट रेट, जैसे प्रेफरेंस शेयर पे कितना इंटरेस्ट रेट है, 9% इंटरेस्ट रेट है, तो ये क्या हो गया अपना 9 हो गया। एन पी कितना है आपका 100, तो यहाँ मैंने 100 लिख दिया, इंटू 100 लिख दिया मैंने, तो क्या आ गया आपका आंसर 9%। अब इसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.09, तो मैंने यहाँ लिख दूँ 0.09, ये क्या आ गई आपकी प्रेफरेंस शेयर आ गई। अब लास्ट बचता है आपका रिटेन अर्निंग, जो रिटेन अर्निंग का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था या आपको याद भी होगा, तो के आर इज इक्वल टू 1 माइनस टी पी अपॉन, यहाँ लिख देती हूँ मैं, के आर इज इक्वल टू के ई 1 माइनस टी पी अपॉन 1 माइनस ब्रोकरेज, ये मैंने के आर का फॉर्मूला बताया था। अभी अपन ने के ई फाइंड की तो कितना आया 16%। ठीक है, 1 माइनस टी पी, टी पी क्या है पर्सनल टैक्स रेट, टी पी का मतलब क्या होता है पर्सनल टैक्स रेट, वो कितना है 25%, तो यहाँ लिख दिया 25% मैंने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ ब्रोकरेज रेट गिवन नहीं है, जब भी ब्रोकरेज रेट गिवन नहीं होती है तब अपन वन ये लिखते नहीं है। अभी से सॉल्व करते हैं, 1 माइनस 25% 0.75 × 16, तो क्या आ रहा है आंसर 12%, तो यहाँ लिख दूँ मैं 12%, यहाँ लिख दिया। अभी इसे सिंपल फॉर्म में करेंगे तो 0.12, तो यह मैं लिख देती हूँ 0.12। अब समझ में आ गया कैसे किया अपन ने, अपन ने अभी इक्विटी शेयर का फाइंड किया, डिबेंचर का अलग फाइंड किया, प्रेफरेंस शेयर का अलग फाइंड किया, रिटेन अर्निंग का अलग फाइंड किया है। ठीक है, ये क्या हो गया आपकी W, ये आपकी हो गई X। ठीक है, ये क्या हो गई WX। अब इसका फॉर्मूला था किसका, KW का, मतलब कॉस्ट ऑफ वेटेड एवरेज का था, सिग्मा WX अपॉन सिग्मा W, ये फॉर्मूला था। अब इसको इंटू करके यहाँ लिखेंगे जो अपन ने पहले किया था, 4 लाख × 0.16, 64,000, 2,50,000 × 0.035, 8,750, 250,000 × 0.09, 22,500, 1,00,000 × 0.12, 12,000। ठीक है, वीडियो बड़ी है पर बहुत यूजफुल है, तो प्लीज़ अगर आप ये मेथड समझ जाओगे, यहाँ कोई भी डाउट है कमेंट में बताइए, अगर आप समझ जाओगे इस मेथड को तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब मैंने यहाँ क्या किया, मैंने इसको इंटू करके यहाँ लिखा, इसको इंटू करके यहाँ लिखा, इसको इंटू करके यहाँ लिखा, इसको इंटू करके यहाँ लिखा। अब क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे, जैसे 64,000 प्लस 8,750 प्लस 22,500 प्लस 12,000, तो क्या आ गया 1,07,250, क्या आ गई आपकी सिग्मा डब्लू एक्स। अब सिग्मा डब्लू क्या है आपका 10 लाख। ठीक है, 10 लाख। अब इसे सॉल्व करेंगे, डिवाइडेड बाय 10 लाख × 100, तो क्या आ रहा है 10.725%, तो आंसर देखते आ रहा है या नहीं आ रहा, यस आ रहा है 10.725। ठीक है, अगर मुझसे कोई भी गलती हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना, क्योंकि मैं पहले सॉल्व नहीं करती हूँ आपके सामने ही, मैं जैसे मुझे आता मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करती हूँ। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना, और मैं आपको बता दूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे आप 3 बार ज़रूर निकालना हो सके तो। ठीक है, और इलस्ट्रेशन आप करने की कोशिश करो, कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछो, एंड नेक्स्ट वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे। ठीक है,